तो गाइस आज आपके लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन एक्शन फिगर सेट की कंपैरिजन वीडियो, जो कि बहुत लोग कह रहे थे कि इनकी कंपैरिजन वीडियो बनाओ, तो इनकी कंपैरिजन वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो गाइस स्टार्टिंग करें हम पहले अपने स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन को निकालते फटाफट से, इनकी एसेसरीज के ऊपर बात ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक्शन फिगर्स को कंपेयर करेंगे, एसेसरीज को कंपेयर नहीं करेंगे। फटाफट से मैं सारे एक्शन फिगर्स जो है वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इसको भी मैं फटाफट से यहां से निकाल देता हूँ। इसमें पांच एक्शन फिगर्स है, जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। वैसे एक्शन फिगर्स काफी छोटे हैं, इसमें साइज काफी छोटे हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुका हमारा स्पाइडरमैन, इसी के साथ यहाँ पे आ चुका हमारा अल्ट्रॉन की एक आर्मी का मेंबर, और यहाँ पे हमारे बाकी छोटे से एक्शन फिगर्स, ये रहा कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थेनोस और हल्क। तो फटाफट से कंपैरिजन वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है अल्ट्रॉन का एक एक्शन फिगर। फटाफट से अगर हम इसे देखें तो इसकी आर्टिकुलेशन पहले देखेंगे। इसकी आर्टिकुलेशन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, काफी इसमें आर्टिकुलेशन काफी ज्यादा है, कंपेयर करें अगर बाकी एक्शन फिगर्स से तो इसकी जो आर्टिकुलेशन है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर यहां से देखें तो ये जो आपको दिख रहे हैं इसकी नी वो बेंड नहीं होते, वो वैसे काफी अच्छा एक्शन फिगर है और बहुत ही स्ट्रांग है। इसका जो पेंट है वो आप सभी को पता ही है कि जो हैसब्रो के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका पेंट बहुत जल्दी नहीं जाता है, बहुत टाइम तक ऐसे टिका रहता है। अगर मैं इसके आर्म्स की बात करूँ तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो और ज्यादा हो जाएंगे। ये भी सेम ही ऐसे, इनको भी और ज्यादा फोल्ड कर सकते हो इस तरीके से, और अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएंगे। और यहाँ से ये डैप का साइन भी बनाता हूं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ से देखो तो ये एक्शन फिगर जो कि डैब का साइन बना रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और वो भी काफी कूल लग रहा है क्योंकि इसकी आर्टिकुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा, और आप लोग को पता ही कि हैसब्रो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनकी आर्टिकुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि कंपेरेटिवली बूटलेग से तो 10 गुना ज्यादा होती है। जैसे कि अगर स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन की जो ये जो आप देख सकते हो एल्बोज वो बेंड हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो पाते, बहुत ज्यादा भी नहीं हो पाते क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से जो इसकी रिस्ट है वो भी ऐसे मूव हो जाती है आराम से, हेड 360 डिग्री रोटेट होता है जो कि हर एक्शन फिगर में होता है, बहुत ही कम होते हैं जिसमें नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी नी वो भी बेंड हो जाती है काफी आराम से, और वही अगर इनके बॉडी शेप देखे तो काफी सही बना है वैसे एक्शन फिगर तो। और यहाँ पे एक लाइट भी दे रखी है जो कि बहुत सारे कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। और अगर अब हम बात करें थेनोस की तो ये बहुत ही छोटा एक्शन फिगर है, बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे गाउंटलेट, गाइस गाउंटलेट काफी कमाल का वैसे अगर आप लोग देखो, और अगर हेड देखो तो वो भी काफी कमाल का है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा थेनोस के आर्टिकुलेशन सिर्फ हैंड्स अप एंड डाउन होते हैं, और हेड 360 डिग्री रोटेट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 360 डिग्री रोटेट होता है और लेग्स अप एंड डाउन होते हैं, बस इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है एक्स्ट्रा। वही अगर हम लोग बात करें हमारे हल्क की तो ये भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम आर्टिकुलेशन है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी 360 डिग्री हेड रोटेट हो जाता है। और अगर आप लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की, सेम आर्टिकुलेशन है इन सारे एक्शन फिगर्स में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हेड 360 डिग्री रोटेट होता है, लेकिन जो हेड है ना वो निकल नहीं सकता इनका हेड क्योंकि पूरा अटैच होता है। और हल्क का मेरे को इतना आइडिया नहीं कि निकल सकता है नहीं, मेरे हिसाब से तो निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क है कि अगर हमने ज्यादा वो करा तो फिर क्या पता इसके जो हेड है वो टूट जाए। तो अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, अगर हम लोग देखें तो लेग्स
ऐसे अप एंड डाउन होते हैं जैसे नॉर्मली ऐसे होते हैं, लेकिन इसके थोड़े इस टाइप से होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बहुत आराम से बैठ भी सकता है, हेड भी थोड़ा अलग तरीके से रोटेट होता है। अगर यहाँ से करा तो ये थोड़ा ऐसे ऊपर दिखेगा, और यहाँ से करेंगे तो वापस नीचे हो जाएगा। और हैंड्स की मूवमेंट भी सेम है जैसे कि बाकी एक्शन फिगर्स की है, बिल्कुल वैसा ही सेम है। और अगर हम लोग बात करें हमारे स्पाइडी भाई की, तो उनका भी बिल्कुल सेम है, हैंड्स अप एंड डाउन होते हैं। और ये लेग्स इस इनमें थोड़ी सी ज़्यादा आर्टिकुलेशन दी है, या फिर देख ही सकते आप लोग कि लेग्स प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं, वरना और कोई एक्शन फिगर के लिए आयरन मैन के भी सिर्फ इतने ही हो पाते, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, और बाकी किसी एक्शन फिगर के नहीं होते, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका के भी नहीं हो पाते हैं। तो फटाफट से एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, स्पाइडरमैन का जो हेड है यहाँ से निकल के आप ये चीज़ देख सकते हो, बाकी एक्शन फिगर्स में मिलते हैं लेकिन इन एक्शन फिगर्स में नहीं है, सिर्फ ये इसी वाले में है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इस न्यू एक्शन फिगर में स्पाइडरमैन के। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर से यार कमेंट करके बताना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम से आपको पता ही है कि बहुत ही इनएक्टिव था, और उस वजह से जो अभी व्यूज़ है वो बहुत गिर चुके हैं। जैसे पहले ट्राइपॉड की वीडियो डाली, उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, उसके बाद अभी मैंने कैप्टन अमेरिका वर्सेस थैनोस की एक स्टॉप मोशन वीडियो डाली थी, जिसका पार्ट टू बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा, और बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसे लाइक भी कर देना, और इस वाली वीडियो को भी लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस आती रहेगी, रोज़ तो नहीं लेकिन हाँ वीडियोस आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।